के लिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच में सीटों का गणित तय हो चुका है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हर एक सीट पर लगभग उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 17 सीटों में अब तक एक भी सीट मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दी गई है। उसको लेकर कई जो नेता है कांग्रेस के वो नाराज बताए जा रहे हैं। कल हमने देखा कि किस तरीके से नसीम खान जो कांग्रेस महाराष्ट्र कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है उन्होंने स्टार प्रचारक के तौर पर काम करने से मना कर दिया। और सिर्फ नसीम खान ही नहीं बल्कि इंडिया अलायंस में जितने भी पार्टी शामिल हैं वो इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अबू आजमी है, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है। सर, कल नसीम खान को हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा और ये कहा कि मुस्लिम उम्मीदवार आपने नहीं दिया है इसलिए वो स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार नहीं करेंगे। आपने भी नाराजगी व्यक्त की है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं ये कहूँ कि समाजवादी पार्टी भी इस अलायंस में शामिल है और हमसे भी हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी से बात हुई कि दो सीटें समाजवादी पार्टी मांगेगी यहाँ पर, लेकिन बाद में हुआ कि अखिलेश यादव ने कहा कि वो लोग आपको एक सीट भी देने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी छोटी पार्टी है। अब मैं कह रहा हूँ कि माइनॉरिटी का इतना वोट है, वोट बैंक है, और कांग्रेस जो है माइनॉरिटी के वोट को अपना अधिकार समझती है, तो उनके लिए कुछ करो भी सही, उनको टिकट भी दो। उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। और आरिफ नसीम साहब जो हैं एक बड़े नेता हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, और आरिफ नसीम साहब जो हैं वो एमएलए भी नहीं फिलहाल हैं, लेकिन एक एमएलए जो सिटिंग एमएलए है उसको आप टिकट दे सकते हैं, और एक आदमी का कोई पद नहीं है वो मांग रहा है सीट, तो आप उनको सेटिस्फाई कीजिए ना कि क्यों नहीं दे रहे टिकट उनको। तो इसमें थोड़ा नाराजगी तो है इस बात की, और हमें भी इस बात की नाराजगी समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने एक भी सीट नहीं दिया और पूछते भी नहीं है। और वही कांग्रेस पार्टी ने रिजर्वेशन मुसलमानों का लाया था हाउस के अंदर, कांग्रेस और एनसीपी दोनों साथ थी, 2.5 साल उसके बाद फिर उनकी सरकार रही, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन लाया नहीं, ये तो नाइंसाफी मुसलमानों के। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट जिस पर अभी वर्षा गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाया गया है, कहा जाता है कि उस सीट को लेकर वो पूरी तरीके से तैयारी कर रहे थे और उनको ये आश्वासन भी दिया गया था कि उस सीट पर उन्हीं को लड़ाया जाएगा। फिर इस तरीके से अगर उनका पत्ता कट करके वर्षा गायकवाड़ को सीट दिया जाता है, तो आप ये मानते हैं कि यही सब कारण है जिस वजह से कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो नाराज हो रहे हैं? अब देखिए, मुझे नहीं मालूम क्या कारण है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 48 सीटों में पूरे इंडियन अलायंस ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया, ये हमें इस बात का दुख है। कारण क्या समझते हैं सर, आपकी वोट बैंक, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम एक कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है, लेकिन फिर भी वोट तो चाहिए मुस्लिमों का लेकिन उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या आइडियोलॉजी आप समझते हैं कि कांग्रेस की सोच क्या है इसके पीछे? देखिए, ऐसा है ना कि मुसलमानों को आजकल अनटचेबल कर दिया गया है, मुसलमान से सब कुछ लो, इनको दो मत कुछ, यही सोच और कैसे सोच। समाजवादी पार्टी भी दुखी है क्योंकि महाराष्ट्र में उसे उचित सम्मान नहीं मिल रहा है? नहीं, हम तो दुखी, मतलब हमें अफसर, अगर हमें नहीं मिला टिकट ठीक है, आप एक तो एक कम से कम कांग्रेस से बड़े नेता उनको दे देते, कम से कम हम सड़क पर जब उतरते हैं और बात करते हैं हम कह सकते हैं इंडिया अलायंस ने एक टिकट तो दिया है, चाहे समाजवादी ने दिया तो उसको दे देते, नहीं दिया उसको। AIMM ने जो इंडिया जलील है एकमात्र सांसद, उन्होंने उनको ऑफर दिया है नसीम खान पर, ये कहा है कि सिर्फ स्टार प्रचारक के तौर पर ही नहीं बल्कि आदर्श के तौर पर आप पार्टी से भी इस्तीफा दें और हमारे पार्टी में शामिल हो, हम आपको टिकट देंगे, क्या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ही उन्हें ऑफर देने जा रही है? नहीं, हम किसी को ऑफर नहीं देने जा रहे, हम घटिया चुपचाप जिसको जो करना करें। ठीक, एक अंतिम सवाल, टिकट नहीं दिया जा रहा है, महायुति में भी वही हाल है, महाविकास आघाड़ी में भी वही हाल है, मुस्लिमों का नेतृत्व कौन करेगा महाराष्ट्र में, एक ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुस्लिमों का नेतृत्व अगर कोई था तो कांग्रेस में मुसलमान थे कुछ, और तो किसी पार्टी में वो है वोट बैंक तो मुसलमान है ही नहीं, लेकिन वहां भी अगर आरिफ नसीम जैसे लोगों को नाराज किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ नेतृत्व कौन करेगा, बताएं लोग। ठीक है, धन्यवाद सर से बात करने के लिए। तो ये महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी साहब थे जिन्हें आपने साफ तौर पर सुना। इनका कहना है कि अगर इसी तरीके से मुस्लिम नेताओं को, अल्पसंख्यक नेताओं को दरकिनार किया जाएगा तो सवाल ये खड़ा होता है कि मुस्लिमों का नेतृत्व कौन करेगा।